अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सीविंग एंड DIY। आज हम लोग गले का एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने एक फार्मा का कटिंग किया है। गले की लंबाई की टोटल इंच मैंने 12 इंच रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग अपना गले का लेंथ बढ़ा या घटा सकते हैं। अब मैं बीच सेंटर में अपने फार्मा को रख के और इसके साइड साइड से सब तरफ सिलाई कर दूँगी। ये फार्मा मैंने बकरम पे रख के किया है, कटिंग किया है। आप भी इसे बकरम पे रख के कटिंग करेंगे तो इसे बहुत ही स्टिफ और अच्छा डिज़ाइन आएगा। अब मैं इसे कटिंग कर रही हूँ, आधा इंची छोड़ करके आप सब तरफ से इसे कटिंग करके निकाल लीजिए। अब इसके साइड साइड में मैं नॉचेस लगा रही हूँ ताकि जब हम इस गला को पलटे तब ये पूरी फिनिशिंग के साथ थे इसका डिज़ाइन निकल करके आए बाहर। अब नॉचेस लगाने के बाद मैं इस गले को टर्न करूँगी। देखिए नॉचेस लगाने की वजह से ये कितना फिनिशिंग के साथ आया है। अब मैं एक नीचे के गले के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उससे बड़ा कपड़ा लूँगी और उसे हाफ हाफ इंची में स्टिच करके एक डिज़ाइन तैयार करूँगी। इसका मैंने वीडियो नहीं बनाया है, अगर मैं इसका वीडियो बनाती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मैंने यहाँ पर ही एक लूप में सिलाई किया है और उस लूप को मैंने 2.25 इंच लूप का मैंने माप रखा है और इसे हाफ इंची के छोड़ करके मैं इसे अटैच कर रही हूँ। बस हाफ इंची ही लूप हमारा दिखाई देगा, बाकी सारा लूप अंदर रहेगा और इसे मैं 1.25 इंच के गैप में लगा रही हूँ। 1.5 इंच के गैप में लगा रही हूँ, सॉरी मैंने 1.25 इंच कहा था, 1.5 इंच के गैप में मैं इसे लगा रही हूँ। और जैसा मैं एक तरफ लगा रही हूँ बिल्कुल सेम उसी तरह हमें दूसरी तरफ भी लगाना है। देखिए जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से करना है। अब ये सिलाई हो चुका है, अब हम इसे अपने जंपर पर अटैच करेंगे। बाहर हमें सिर्फ 1/2 इंच ही दिखाई देना चाहिए ताकि जब हम इसमें डोरी डालें तब ये